जिस महिला को उसके पति ने पीट पीट कर मार डाला था, वह अपनी बेटी के साथ जाने के लिए बोधि वृक्ष बन गई। लेकिन उस दिन चेंदा की बेटी अपनी माँ को खाना देने आई। जब बोधि अपने असली रूप में प्रकट हुआ और उसकी सौतेली माँ की बेटी ने उसे खोजा, सौतेली माँ की बेटी को एहसास हुआ यह चेंदा की माँ है जिसने 20 साल से अधिक समय खो दिया है। उन्होंने भी सोचा कि उनका सामना किसी राक्षस से हुआ है और अपनी माँ को बताने के लिए वापस भागे। उनकी माँ भी नहीं समझती, चेंदा की माँ ओरकास बन गई और उसने उसे मार डाला। फिर मिर्च में बदल गया, पौधा भी उखाड़ दिया गया। चेंदा की माँ क्यों चिपक रही है और नहीं जा रही है, अब बोधि वृक्ष में बदल रही है। वे नहीं जानते कि इसका बदला उनके सिर पर पड़ेगा। फिर सौतेली माँ और बेटी कुदाल लेकर बोधि वृक्ष के पास गईं। लेकिन उसकी बेटी ने अभी अभी बोधि वृक्ष के नीचे खुदाई की। बोधि वृक्ष ने सुनहरी रोशनी छोड़ी और पलक झपकते ही उसे 200 मीटर दूर धकेल दिया। चेंदा की सौतेली माँ भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती, एक कुदाल उठाती है, दुर्भावनापूर्वक उसे खोद डालती है। लेकिन उसकी भी यही स्थिति थी। माँ बेटी डरकर घटनास्थल से भागने लगी। उधर चेंदा को पता है, अब जब बोधि वृक्ष खतरे में था तो वह भागकर बोधि वृक्ष के पास गई। माँ, उसे पता चला कि बोधि को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, तभी वह निश्चिंत हो सकी। सौतेली माँ घर लौटने के बाद जितना अधिक इसके बारे में सोचती थी उतना ही अधिक क्रोधित होती थी। वे माध्यम के पास गए और माध्यम से चेंदा की माँ द्वारा बनाए गए बोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए कहने के लिए ऊंची कीमत की पेशकश की। माध्यम ने कहा कि बोधि वृक्ष महज एक जंगली पौधा है, वह पैसे के लिए सौतेली माँ से सहमत होती है। इसके बाद माध्यम अकेले ही बोधि वृक्ष के पास गए। अप्रत्याशित रूप से बोधि वृक्ष ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी और माध्यम जमीन पर गिर गया। फिर वह तेजी से भाग गया। अगले दिन चेंदा हमेशा की तरह बोधि से मिलने गया। बोधि माँ ने अपनी बेटी को पीड़ित देखा, उसके लिए बहुत दुखी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति न केवल उसे मार रहा है बल्कि अब उसकी वर्तमान पत्नी भी उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। तो बोधि ने अपनी बेटी से कहा, वह प्रेम से मिलने वाली है, वह अब अपनी सौतेली माँ से तंग नहीं होगी। निश्चित रूप से उस दिन कोसल गलती से बोधि वृक्ष के पास चला गया। राजा कोसल को लगा कि पेड़ का पूरा तना सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है, निश्चित ही कोई जादुई पेड़ है। वह इस बोधि वृक्ष को वापस अपने महल में लाना चाहते थे, यह राज्य को समृद्ध बना सकता है। इसलिए उसने गार्ड को अपने सामने बोधि वृक्ष को खोदने का आदेश दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बोधि वृक्ष अभी भी मजबूती से जमीन से जुड़ा हुआ था और हिल नहीं रहा था। जब कोसल ने यह देखा तो उसने बोधि वृक्ष की देखभाल के लिए अंग रक्षक को छोड़ दिया। लेकिन बोधि वृक्ष जानता है कि अगले दिन उसकी बेटी उससे मिलने आएगी। तो शाम को अचानक बोधि वृक्ष प्रकट हो गया। लेकिन अगले दिन जब चेंदा बोधि की माँ से मिलने गया तब भी वह अक्सर राजा को दिखाई देती थी। इस समय कोसल को पता था कि बोधि वृक्ष चेंदा की माँ थी, इसलिए कोसल चेंदा के जाने के बाद अकेले बोधि वृक्ष के पास इंतजार करता रहा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोधि वृक्ष से अपनी बेटी से शादी करने की विनती करने लगा और वादा करो भविष्य में वह चेंदा को कोई नुकसान नहीं होने देगा। बोधिपरी ने देखा कि कोसल भी अपनी बेटी के प्रति बहुत ईमानदार है, इसलिए वह उससे सहमत हो गई। लेकिन जब कोसल ने चेंदा से बात करने के लिए पाया तो बोधिपरी उसके लिए चेंदा से शादी करने के लिए तैयार हो गई। चेंदा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए कोसल ने चेंदा को बोधिपरी के पास खींच लिया ताकि बोधिपरी ने चेंदा को खुद ही सच्चाई बता दी। चेंदा ने जमीन पर घुटने टेक दिए और बोधि की माँ से पूछा कि कोसल ने जो कहा वह सच है या झूठ। इसी समय अचानक बोधि वृक्ष जमीन से बाहर आ गया। हवा में सुनहरी रोशनी बिखेर रहा हूँ, इसके अलावा उन्होंने महल के लिए उड़ान भरी, इस बात पर स्पष्ट सहमति है। लेकिन राजमहल का एक आदमी भी बोधि वृक्ष को गिराया नहीं जा सकता, बोधि वृक्ष ने भी उतरने से इनकार कर दिया। राजा को पता था कि इसका कारण चेंदा है, इसलिए राजा ने तुरंत दुल्हन चेंदा को लेने के लिए एक दल भेजा। चेंदा की सौतेली माँ को इतनी बड़ी शादी की रिसेप्शन टीम के बारे में पता था। फिर राजा ने चेंदव को पत्नी के रूप में महल में स्वागत के लिए भेजा। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उन्हें चिंता थी कि चेंदा उनसे बदला लेगा। वे छिपने के लिए पहाड़ के पीछे भाग गए। सौतेली माँ और बेटी को यह उम्मीद नहीं थी कि वे अक्सर चेंदा को धमकाती थी। अब एक कुलीन राजकुमारी बनो, वे नहीं जानती कि उनका प्रतिशोध भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जितना अधिक वे सोचते हैं उतना ही क्रोधित होते जाते हैं। उन्होंने तुरंत चेंदा का विकल्प सोचा। नहा रही लड़की गर्म तेल की कड़ाही में गिर गई। उसके पूरे शरीर पर दर्दनाक जलन हुई, लेकिन उसकी माँ उसके बगल में थी, बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसने चेंदा को गर्म तेल से जलकर मरते हुए देखा। कुछ ही समय पहले पता चला कि राजा ने चेंदा से और अधिक अनुरोध किया था। राजा विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर आए और चेंदा के सामने आदरपूर्वक झुक गए। मैं उसे राजकुमारी बनाने के लिए महल में ले जाना चाहता हूँ, चेंदा तुरंत ठिठक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति के लिए उसकी माँ सहमत थी वह उनका राजा था। सुंदर श्रृंगार के बाद चेंदा, वह मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है।
वह महल में पालकी में बैठी एक युवा महिला बन गई। सौतेली माँ और बेटी डर गईं और जंगल में भाग गईं। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। चिंदा, जो कभी उनके द्वारा धमकाया जाता था, अब एक राजकुमारी है। जितना अधिक वे सोचते थे उतना ही अधिक क्रोधित होते थे। उनके हृदय में एक दुर्भावनापूर्ण विचार उत्पन्न होता था। चिंदा का अभी अभी महल में स्वागत किया गया है। बोधि वृक्ष धीरे धीरे स्वतः ही जमीन पर आ गया। चिंदा ने मूल रूप से महल में जाने के बारे में सोचा। राजा और माँ बोधि के संरक्षण में उसे सौतेली माँ और बच्चों द्वारा तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन सौतेली माँ जितना इस बारे में सोचती वह उतनी ही अधिक अनिच्छुक होती। उनकी बेटी साफ तौर पर चिंदा जैसी दिखती है। चिंदा एक राजकुमारी क्यों हो सकती है और उसकी बेटी इतनी ही गरीब है। इसलिए चिंदा की सौतेली माँ ने उसके पिता से चर्चा की और चिंदा को वापस मारने की योजना बनाने की तैयारी की। फिर रोथा को चिंदा की जगह उपपत्नी के रूप में महल में ले जाने दिया। अगले दिन उन्होंने चिंदा को एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया है कि चिंदा के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। चिंदा तुरंत चिंतित हो गया। हालांकि उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला, फिर भी वह अक्सर उसे पीटता था। लेकिन चिंदा ने फिर भी अपने पिता से मिलने के लिए घर लौटने का फैसला किया। उसने राजा को अलविदा कहा। राजा को लगा कि यह कोई षड्यंत्र है, लेकिन वह चिंदा को नहीं रोक सके। वह फिर भी चिंदा के अनुरोध पर सहमत हो गया ताकि वह अपने पिता से मिलने के लिए वापस आ सके। चिंदा को वापस आता देख सौतेली माँ ने चिंदा के पिता को बीमार होने का बहाना बनाकर जमीन पर लेटने को कहा। उसने चिंदा का स्वागत करने के लिए दौड़ने का नाटक किया। उन्होंने कमरे में पहले से ही जाल तैयार कर रखा था। चिंदा की सौतेली माँ ने जमीन पर लेटने का नाटक किया और अब अपना पछतावा व्यक्त किया। उसने कहा कि उसे सबसे पहले अपने पिता को उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं उकसाना चाहिए था। चिंदा ने कहा कि माँ और सौतेली माँ को इस बात का बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उन्होंने उन्हें तुरंत माफ कर दिया। तब चिंदा की सौतेली माँ ने उसे बताया कि रास्ता कठिन है, पहले उसे बाथरूम जाने दो, फिर अपने पिता से मिलने आओ। चिंदा सोचती है कि उसकी सौतेली माँ वास्तव में चिंतित है, इसलिए वह मानती है कि यह सच है। वह बाथरूम की ओर चल दी। लेकिन जब वह बाथरूम में घुसी, वह अपनी सौतेली माँ द्वारा बनाए गए तेल के बर्तन में गिर गई। चिंदा जल गया और केवल हड्डियां बची। बाद में चिंदा की सौतेली माँ ने अपनी बेटी को चिंदा के कपड़े पहनने दिए। चिंदा नगर में सज धज कर राजकुमारी के रूप में महल में प्रवेश किया और इस वक्त उसे नहीं पता था कि इस बार उसकी बेटी चली गई और वापस नहीं आई। लड़की को उसकी सौतेली माँ ने बेरहमी से तेल के बर्तन में धकेल दिया था। उसने सख्त संघर्ष किया। उसकी सौतेली माँ हंस पड़ी। तब सौतेली माँ ने अपनी बेटी को चिंदा के कपड़े पहनने दिए, मेकअप करें और राजकुमारी के रूप में महल में उसकी जगह लें। वह यह भी सोचती है कि वे तुरंत अमीर हो जाएंगे। वह नहीं जानती थी कि राजा बहुत ही सुरक्षात्मक व्यक्ति था। उसकी बेटी चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। परी ने बेचारी चिंदा को देखा। चिंदा के अवशेषों की रक्षा के लिए जादू करें, फिर अस्थायी तौर पर चिंदा को मेहमान पक्षी में बदल दें। उसी समय चिंदा की बहन रोथा ने महल में उसका स्थान ले लिया। लेकिन जैसे ही रोथा ने महल में प्रवेश किया, बोधि वृक्ष जिसने हमेशा चिंदा की रक्षा की थी अचानक सूख गया। गार्ड को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने आदरणीय राजकुमारी नकली थी। हालांकि शाही उपपत्नी चिंदा से काफी मिलती जुलती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व वैसा नहीं है। शाही उपपत्नी ने अभी अभी महल में प्रवेश किया था, वह बहुत घमंडी थी। शाही पत्नी ने यह भी सोचा कि वह जीवन भर इस शानदार महल में रहेंगी। लेकिन चिंदा द्वारा रूपांतरित अतिथि पक्षी वापस महल की ओर उड़ गया। राजा से कहो कि वर्तमान राजकुमारी नकली है। उसे बताएं कि वह असली राजकुमारी है और राजा को अपने पिता से मिलने के लिए घर आने की पूरी कहानी बताएं। राजा को मेहमान पक्षी की बात पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ, इसलिए राजा ने शाही उपपत्नी की तलाश की और मेहमान पक्षी उन्हें बोधि वृक्ष के सामने ले आया। राजा को पता था कि बोधि वृक्ष उनकी बेटी की गलती नहीं करेगा। यदि कोई बोधि वृक्ष को पुनः जीवित कर सकता है तो वह व्यक्ति उसकी रानी है। शाही पत्नी डर गई और उसने जल्दी से बोधि वृक्ष को बुलाने का नाटक किया। आशा है कि बोधि वृक्ष फिर से जीवित हो सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। राजा ने बोधि वृक्ष को जीवित होते नहीं देखा, इसलिए राजा ने अतिथि पक्षी को बोधि वृक्ष के सामने उड़ने दिया ताकि अतिथि पक्षी पेड़ को फिर से जीवित कर दे। मेहमान पक्षी ने बस कुछ बार चिल्लाया और बोधि वृक्ष सचमुच जीवित हो गया। जब चिंदा की बहन ने यह देखा तो उसे तुरंत धमकी दी गई। उसने झट से राजा के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने राजा से माफी मांगी और सारा दोष घर पर अपनी सौतेली माँ पर मढ़ दिया। राजा ने तुरंत चिंदा की बहन को एक जार में बंद कर दिया और किसी को उसे वापस ले जाने का आदेश दिया। जब सौतेली माँ ने महल से घड़ा देखा तो वह खुशी से उछल पड़ी। वह यह भी सोचती है कि महल की बेटी उसे खजाना देती है, लेकिन जब उसने जार खोलकर देखा तो अंदर उसकी बेटी के अवशेष थे। सौतेली माँ तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। वे जानते हैं कि उनके अपराध उजागर हो गए हैं। एक घर समेट कर गाँव से भाग गया। पूरा परिवार भीख मांगकर जीवन व्यतीत करता था।
परंतु दुष्ट लोगों का अंत सुखद नहीं होगा। पूरा परिवार अचानक प्लेग की चपेट में आ गया और एक साथ मर गया। उसी समय परी फिर से प्रकट हुई, चेंडा द्वारा रूपांतरित अतिथि पक्षी के सामने प्रकट हुई। उसे बताएं कि वह बहुत दयालु है और सभी दयालु लोग उसका प्रतिदान देंगे। परी ने चेंडा को वापस मानव रूप में बदलने के लिए जादू किया। इसके अलावा वह चेंडा को राजा के पास वापस ले आया। तब से चेंडा और राजा हमेशा खुशी से रहने लगे।